हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवि। बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी ने गेंद पर लार या फिर कह सकते हैं स्लाइवा लगाने पर बैन लगा दिया है। इससे पहले कई गेंदबाज गेंद पर लार या स्लाइवा की मांग कर रहे थे, लेकिन आईसीसी ने उसे खारिज कर दिया है और अब नए नियमों के मुताबिक गेंद पर लार लगाना बैन रहेगा। हालांकि खिलाड़ी अपने पसीने का इस्तेमाल गेंद को चमकाने के लिए कर सकते हैं। और क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, आइए आपको बताते हैं। आईसीसी ने गेंद पर लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो अंपायर खिलाड़ी को चेतावनी देंगे, मतलब हर टीम को हर पारी में दो चेतावनियां मिलेगी। अगर इसके बाद भी खिलाड़ी ऐसा करते हैं तो विरोधी टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। इससे पहले कई गेंदबाजों ने चिंता जाहिर की थी कि सिर्फ पसीने से गेंद को चमकाने में मदद नहीं मिलती है, कई जगहों पर तो गेंदबाजों को पसीना ही नहीं आता है। ऐसे में क्रिकेट में बल्लेबाजों को और ज्यादा मदद मिल सकती है। इसके अलावा खिलाड़ियों की जर्सी पर 32 इंच के अतिरिक्त लोगों की भी अनुमति दे दी गई है, ताकि कोरोना संकट के कारण आर्थिक नुकसान उठा रहे बोर्ड कमाई कर सके। आईसीसी ने सभी टीमों को कोरोना वायरस रिप्लेसमेंट का विकल्प भी दे दिया है, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच के दौरान कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाता है तो फिर उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मैदान पर उतारा जा सकता है, जैसा कि आपने कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट के रूल में भी देखा होगा। ये नियम वनडे और T20 में भी लागू होगा। हालांकि वो खिलाड़ी कौन होगा जो कि इंजर्ड खिलाड़ी को रिप्लेस करेगा या कोरोना वायरस से पीड़ित खिलाड़ी को रिप्लेस करेगा, इसका फैसला मैच रेफरी करेंगे। आईसीसी ने घरेलू मैचों के अंपायरों को भी मंजूरी दे दी है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक घरेलू अंपायरों को मैच में नियुक्त नहीं किया जाता, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए इस नियम को हटा लिया गया है। आईसीसी अब मेजबान देश के अंपायरों मैच अधिकारियों को ही किसी भी मैच के लिए नियुक्त करेगी। ऐसा करीब 2 दशक बाद होगा कि घरेलू अंपायर मैच में अंपायरिंग करेंगे। इसके मायने हैं कि भारत के सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और नितिन मेनन इंग्लैंड के खिलाफ अगले साल घरेलू सीरीज में अंपायरिंग करेंगे, जबकि जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी होंगे। आईसीसी ने सभी टीमों को एक अतिरिक्त DRS देने का फैसला किया है। आईसीसी के नए नियम के मुताबिक अब टेस्ट मैच में सभी टीम 3 रिव्यू ले सकेंगी, वहीं वनडे और T20 में उसके पास 2 रिव्यू लेने का अधिकार होगा। ये फैसला स्थानीय अंपायरों की अनुभवहीनता को देखते हुए किया गया है। आईसीसी क्रिकेट संचालन टीम स्थानीय मैच रेफरियों की मदद करेगी। तो ये वो कुछ नियम है जिनके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।